खबर देवरिया जनपद से, जहां बरहेस नगर पंचायत से भाजपा अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अमरेंद्र गुप्ता ने मीडिया से बात की। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए वर्तमान समय में बरहेस की समस्याओं के बारे में खुलकर बताया। इस दौरान भाजपा नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट देकर बरहेस का मान बढ़ाया है। बरहेस शहर की बड़ी समस्या जाम की है। जनता अगर हमें चुनती है तो शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाऊंगा। नगरपालिका बरहेस को भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा। शहर में कूड़ा निस्तारण की एक बड़ी समस्या है, जिससे मैं जीतने के बाद हर हाल में इसका समाधान करूंगा। जनता का भाजपा को भरपूर समर्थन मिल रहा है। बरहेस नगरपालिका में कमल खिलाने के लिए जनता ने मन बना लिया है। देवरिया जनपद से त्रिभुवन कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने आपको बरहेस नगरपालिका के लिए टिकट दिया है, क्या कहना चाहेंगे? एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा और विश्वास जताया, इसके लिए मैं अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं सभी वरिष्ठ जनों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति को आज अपना उम्मीदवार बनाया और यह सिद्ध हो गया कि भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता भी जो है चुनाव लड़ सकता है और चुनाव जीत सकता है। आप इसी शहर के अंदर के रहने वाले हैं और यहाँ की सारी समस्याओं से भलीभांति परिचित हैं। अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है तो ऐसी कौन सी दो तीन प्रमुख समस्याएं जिसको सबसे पहले आप हल करने की कोशिश करेंगे? सबसे एक प्रमुख समस्या बरहेस नगर में है ट्रैफिक की समस्या, जो हमेशा जाम की समस्या रहती है। उसको निजात दिलाने के लिए सबसे पहला कार्य होगा। दूसरा, नगर में सफाई की व्यवस्था और पेयजल की व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। हमारा प्रयास होगा कि सबसे पहले उस पर मैं काम करूंगा। नए वार्ड जो बने हुए हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र रहे हैं, वार्ड जुड़े हुए हैं नगर पालिका के में, उन पर प्राथमिकता के आधार पर ओपन जिम, सामुदायिक भवन, विवाह भवन के निर्माण कराए जाएंगे एवं पेयजल की सुविधा वहाँ पर सबसे पहले दी जाएंगी। और मोदी जी एवं योगी जी का जो गरीबों के लिए पक्के आवास देने का जो मिशन, बहुत बड़ी परियोजना चल रही है। लगभग 5,000 फाइलें लंबित पड़ी हुई हैं अभी भी नगर क्षेत्र में। उसे तुरंत अध्यक्ष बनने के बाद उसे मैं प्राथमिकता के आधार पर उसे स्वीकृत करा करके, धन आवंटित करा करके उन गरीबों को, असहायों को पक्के मकान देने का कार्य किया जाएगा। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील यही मेरा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश की जो भी योजनाएं चल रही हैं उसको सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बरहेस में नगर की सरकार बनावें, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करावें, यही हमारा आम जन से अनुरोध है।